स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है और कहाँ होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन फंक्शन है कि वो बनाए ATP, और ये ATP बनाने का प्रोसेस यानी कि सेल की एनर्जी करेंसी। और ये सेल की एनर्जी करेंसी बनाने में दोस्तों चार कॉम्प्लेक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और यही आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं जिससे हमारा ATP बनता है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स वो तरह का नहीं स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स कहा। तो स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स वन है उसे NADH कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसे NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NADH का कन्वर्जन हो चुका है NAD+ में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बाहर। तो बाहर एक बायलेयर मेम्ब्रेन है जैसे कि हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की होती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाएगा, और ये बाहर आने पर क्या होगा, कैसे होगा, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में NADH कन्वर्ट हो चुका है NAD+ में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स हमारा, इसे कहते हैं सक्सिनेट कॉम्प्लेक्स, इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फुमारेट में, और फुमारेट वापस से सक्सिनेट में, पर यहां पर इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स FAD, और वो कन्वर्ट हो चुका है FADH2 में, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक प्रोटॉन निकल चुका है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स ने उसका काम कर दिया है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, H+ प्रोटॉन्स निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो बाहर जाकर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, हर एक कॉम्प्लेक्स उसकी रिएक्शन करता है, हमने देखा, और हर कॉम्प्लेक्स एक कैस्केड में काम करता है, यानी कि जब NADH एक्टिवेट होगा वो उसका फंक्शन होने के बाद सेकेंड सक्सिनेट होगा, और सक्सिनेट का काम करने के बाद स्टूडेंट्स यह आता है यूबिक्विनोन, जिसे हम CoQ भी कहते हैं, और इसे यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यहाँ से भी प्रोटॉन्स रिलीज होंगे। और फिर हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में साइटो सी लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, सारो कॉम्प्लेक्स ने उनका प्रोटॉन बाहर छोड़ दिया है, और ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ATP कैसे बनने वाला है, तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं। तो यहाँ पर तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, अब क्या होगा, अब ये प्रोटॉन ट्रेवल करेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे ATPase के पास। ATPase क्या है स्टूडेंट, ATPase एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लॉलीपॉप मॉडल में होता है, और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, आता है और ये हमारी रोटर मोड रोटेट करता है, मोटर के पार्ट रोटेट करता है और हमें बिजली मिलती है। उसी तरह से कीमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो स्टूडेंट्स, कीमियोस्मोसिस का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ATPase के अंदर आता है, एंट्री लेता है, और ये एक फोर्स से एंट्री लेता है, उसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कौन सी फोर्स स्टूडेंट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसे PMF कहते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स हमारे प्रोटॉन को अंदर जाने में मदद करती है, और ये यहाँ जाते हैं लॉलीपॉप मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसे रोटेट करते हैं, जिसमें F1 और F0 के लॉलीपॉप के स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट, यानी एक मोटर है, और यहाँ पर एंजाइम जो प्ले करता है स्टूडेंट वो है ATPase, और ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी, ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स से अंदर घुस गए थे स्टूडेंट्स, उसको ADP और IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP का फ्यूजन करने में मदद करेगा, यानी कि फॉस्फोराइलेशन होगा, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके हमें मिल जाएगी हमारी एनर्जी करेंसी, यानी कि ADP बन जाएगा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहां से
एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो इन्हें किसी को तो कैरी करना होगा, तो ये कौन करेगा, ये पूरे प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा हमारा ऑक्सीजन। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ईटीसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। कई बच्चे गलती कर देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, पर हमें ये रिमेम्बर करना है। तो ये था हमारा कीमे ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी समझा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देख ली। तो दो तीर, एक तीर से हमने दो शिकार तो कर लिए, जिसमें हमने देखा हमारे कॉम्प्लेक्सेस एनएडीएच कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीनेट कॉम्प्लेक्स, कोक्यू कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, और कैसे ये सब अपने प्रोटॉन्स बाहर छोड़ते हैं और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स से एटीपीएस में आता है और एटीपी बनता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लाइक करें, मोटिवेट करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।